हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जिंको वीट टैबलेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंको वीट टैबलेट में मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमिनियम, जिंक और अंगूर के बीज के अर्क जैसे खनिजों के साथ विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी और ई शामिल है। यह एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो आपके शरीर में विटामिन और खनिजों के नंबर को रिस्टोर करने में मदद करता है और आपके होलिस्टिक हेल्थ को भी बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यह आपके शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और भूख में भी इम्प्रूवमेंट कराता है। ये बीमारियों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है और साथ ही थकान को भी दूर करता है। जिंको वीट टैबलेट में मौजूद विटामिन और खनिज हमारे दिल के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अंगूर के अर्क का बीज एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्मफुल केमिकल से होने वाले हार्म को भी बेअसर करता है और संक्रमण के लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रिया में भी सुधार करता है। अगर आपको इस टेबलेट से ज़्यादा फायदे पाने हैं तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही जिंको वीट टैबलेट लें। इससे आपको मंथली उल्टी, पेट खराब और त्वचा पर लाल चकते जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ये यूजुअली अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बट फिर भी इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या फिर लंबे टाइम तक बना रहता है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और टाइम पर ही लें। इससे भोजन के साथ या फिर बिना भोजन के लिया जा सकता है। हालांकि एक खुराक छूटने की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए इसे हर दिन एक ही टाइम पर लें। इस दवा को पूरा निगल लें, इसे चबाएं या फिर कूचे नहीं। अब बात करते हैं कि इस टेबलेट को लेना भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। यदि आपको एक खुराक याद आती है तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले लें। हालांकि यह आपके अगली डोज का टाइम है तो छूटी हुई डोज को छोड़ दें और अगली डोज को ले लें। छूटे हुए खुराक को भरपाई करने के लिए डबल खुराक ना लें क्योंकि इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें। थैंक यू।